चैप्टर सिक्स, अगर आप एंटी डेरिवेटिव पे आ जाओ तो एंटी डेरिवेटिव की आपको एक लिमिटेशन है कि आप कैलकुलेटर से सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल निकाल सकते हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल आप कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला रिड्यूस हो गया हमारे, मतलब जितने हमारे सवाल थे उसमें से कुछ सवाल आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल है। जैसे ये वाला सवाल लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगेन आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर होना चाहिए वरना एरर आ जाएगा, और मेरा कैलकुलेटर रेडियन के अंदर ही है, ठीक है। तो ये बटन है इंटीग्रेशन का, ये आप दबाओ। फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, कॉस की पावर 4x, तो कॉस एक्स की पावर 4, ठीक है। लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2। पाई कैसे आता है, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन, तो पाई बाय 2। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना क्योंकि कैलकुलेटर बेचारा स्लो है थोड़ा। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 3π/16, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कैलकुलेटर रेडियन के अंदर होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह ये वाला इंटीग्रल है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स, ये क्या हो गया, साइन एक्स ओवर 2 और इसका स्क्वायर, फिर है कॉस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट क्या है, 0 से लेके पाई बाय 2। तो ये भी आप आसानी से कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। पाई बाय 16 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जितने आप डेफिनेट इंटीग्रल हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये वाला है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है, एक्स, उसके बाद है ई, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाओ, ये वाला, और लिखना क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 है। अच्छा जी, तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.86। अब 0.86 आ रहा है, ई की वैल्यू 2.7 होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। फिर ई की वैल्यू 2.7 में से अगर 1 लेस करोगे तो 1.7 कुछ आएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन ठीक नहीं है। इसी तरह 2.7 में कुछ 1 ऐड करोगे तो 3.7 कुछ होगा। तो शुरू के वैसे ही तीन ऑप्शन गलत हो गए, इसमें आप पट करो, 2.7 - 1 1.7, और 1.7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू इसके करीब ही आएगी, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। इसी तरह 14 पे आ जाओ, 14 जिसमें एक फंक्शन, रैशनल फंक्शन गिवन है 1/(x²-9) और लिमिट क्या है, 4 से लेके 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, अब इसका आंसर आ रहा है 0.1412। अब ये बहुत मुश्किल, मतलब सॉल्व करोगे तो काफ़ी स्टेप हैं इस सवाल के अंदर, कैलकुलेटर से काफ़ी आसानी से आ जाएगा। बस आपने करना है कि इसमें तो इतफाक से इन्होंने मिस्टेक क्या किया, तीनों ऑप्शन सेम दिए हैं, LN 7/3, डी ठीक है। आप आंसर नोट कर लेना अपने पास, आंसर क्या आ रहा है, 0.141। आप क्या करो, इन सब ऑप्शन को ना, अगर पेपर में डिफरेंट आएंगे ना, सबको कैलकुलेट करो। जैसे डी ऑप्शन को कैलकुलेट करोगे तो 1/6 मल्टीप्लाई LN 7/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ रहा है 0.412, तो इसका मतलब है आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है। अगर डिफरेंट होंगे सबको कैलकुलेट करना, और कोई बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लग जाएगा। इसी तरह कुछ आपके लोगैरिथम वाले हैं जिसमें LN आ रहा है, वो भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ये वाला है जैसे, ठीक है। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्या फंक्शन लिखा हुआ है, LN, तो आप LN लिखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट क्या है, 1 से लेके ई। ई कैसे आता है, अच्छा यहाँ से अगर आप शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाओगे तो ई की पावर में कुछ लिखना होता है आपने। अगर आपने सिंपल ई लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे 1 कर दो, ई लिखो या ई की पावर 1 लिखो एक ही बात है। लेकिन अगर सिंपल ई लिखना चाह रहे हो उसके लिए एक और बटन भी है, ये वाला रेड से लिखा हुआ है, तो आप अल्फ़ा दबा के ये बटन दबाओ तो डायरेक्ट ई आ जाएगा आपके पास। इक्वल दबाओ, आंसर आपके पास 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो इंटीग्रेशन के सारे सवाल जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आप आसानी से कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, जब ट्रिग्नोमेट्रिक निकालो तो रेडियन में आंसर रेडियन में रख लेना कैलकुलेटर को। और अगेन मे भी कुछ ऐसे इंटीग्रल हों जो कैलकुलेटर कैलकुलेट ना करें, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। कैलकुलेटर पर पूरा आप नहीं कह सकते कि हर चीज़ का आंसर वो देगा, मैंने बताया उसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद अगर आप सर्किल की बात करो, सर्किल में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आप लोगों को सिखाऊं,
बस सर्किल में था कि तीन इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, और वो मैंने फर्स्ट ईयर चैप्टर थ्री में आपको बता दिए कि तीन इक्वेशन जो तीन वेरिएबल के अंदर हो उनको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह चैप्टर एट जो है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से बताऊं। उसके बाद हमारे पास आखिरी चैप्टर है सेकेंड ईयर में, और वो क्या है, वेक्टर्स। वेक्टर से रिलेटेड जितनी शॉर्ट ट्रिक हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले वेक्टर से रिलेटेड पहली शॉर्ट ट्रिक बड़ी मशहूर है, और वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये आप कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे। लेट से कोई भी आपके पास सवाल है, फोर है, इसमें दो वेक्टर गिवन है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करो, अगेन कैलकुलेटर में आप मॉड पे जाओ, मॉड में एट पे वेक्टर आ रहा है, आप एट दबाओ, वेक्टर ए आपने पुट करना है। यहाँ पे वेक्टर तीन डायमेंशन है, मतलब उसमें आई जे के तीनों है ना, तो आप वन दबा दो, डेटा फिट करो, सॉरी पुट करो, क्या है, टू माइनस थ्री फाइव, टू माइनस थ्री फाइव, बस पुट करते जाओ, इक्वल दबाते जाओ, ठीक है। उसके बाद ए सी का बटन दबा दो, अब शिफ्ट देखो ये फाइव के ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है, फाइव दबाओ। अब आपने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, आपने डेटा पुट करना है, तो दोबारा वन पे डायमेंशन पे जाओ, पहले वेक्टर ए पुट की थी, अब आप वेक्टर बी टू पे आएगा, वेक्टर बी की डायमेंशन भी थ्री है, ठीक है, वेक्टर बी क्या है, सिक्स माइनस फाइव वन, तो सिक्स माइनस फाइव वन, ठीक है, और ए सी का बटन दबा दो। अब आपने लेट से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो, तो आप शिफ्ट फाइव पे जाओ, थ्री पे वेक्टर ए आ रहा है, ठीक है। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आप क्या करो, दोबारा शिफ्ट पे जाओ, फाइव पे जाओ, सेवन पे डॉट लिखा हुआ है, तो आप सेवन दबा दो, तो आपके पास एक डॉट आ जाएगा। दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी, अगेन शिफ्ट फाइव, वेक्टर बी फोर पे आएगा, इक्वल दबाओ, आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी दो वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप कैंसिल करो, इनके दरमियान मल्टीप्लाई का निशान है ना, वो डाल दो। जब आप वो डालोगे इसका मतलब है कैलकुलेटर क्रॉस प्रोडक्ट लेगा और आपको एक पूरा वेक्टर मिल जाएगा। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालते हो तो रिजल्ट में एक वेक्टर आता है, तो ये वेक्टर आया है जिसमें आई कंपोनेंट 22 है, जे कंपोनेंट 28 है और के कंपोनेंट 8 है। तो इस तरह आप किसी भी मतलब डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो किसी भी दो वेक्टर का, और क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तीसरी चीज़ मॉडुलस है। अगर आप मॉडुलस निकालना चाह रहे हो, जैसे ए का मॉडुलस ही निकाल लेते हैं हम, तो आप क्या करो, शिफ्ट, अच्छा शिफ्ट पे नहीं जाओगे आप, ये ए बी एस का बटन है, ठीक है, आप क्या करो, शिफ्ट मतलब है तो एच वाई पी मतलब हाइपरबोलिक का बटन है ये, लेकिन शिफ्ट दबा के एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। किस वेक्टर की आपने निकालनी है, शिफ्ट फाइव, वेक्टर ए की लेट से आपको मॉडुलस निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपके पास, 6.16। अगर आपने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगेन शिफ्ट फाइव, फोर पे वेक्टर बी है और यहाँ से आपके पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो पहली चीज़ थी डॉट प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ थी क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरी चीज़ है अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी भी वेक्टर का। उसके बाद चौथी और आखिरी चीज़ क्या होगी वो मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, कि लेट कर लो ये सवाल है 10, इसमें दो वेक्टर गिवन है यू और वी, ठीक है, हम इसको ए और बी कंसीडर कर लेते हैं, और हमें एंगल निकालना है। तीसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो एंगल निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है साइन थीटा बराबर है ए क्रॉस बी और इनका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, एक तो एंगल का ये फॉर्मूला है। दूसरा एंगल का फॉर्मूला है ए डॉट बी मतलब वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस मल्टीप्लाई बी का मॉडुलस, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को आपने कैलकुलेटर से निकालना है तो वो देख लो किस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले आपको जैसे सवाल में आपके पास एक यू गिवन था, अच्छा आपके सवाल में वी गिवन है और आपसे पूछा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है। अब एंगल देखो कॉस इनवर्स की फॉर्म में भी है, साइन इनवर्स की फॉर्म में भी है, मतलब जब आप एंगल निकालोगे साइन को उधर भेजोगे साइन इनवर्स, कॉस को उधर भेजोगे कॉस इनवर्स, लेकिन असल चीज़ है जो कॉस इनवर्स के बाद चीज़ लिखी हुई है ये आपको फाइंड करनी है कि ये क्या है। इसी तरह साइन इनवर्स के बाद लिखी हुई ये फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करोगे, इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करोगे, इसी तरह इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करोगे और जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लिख दोगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले ए वेक्टर जो है वो हम पुट करते हैं, ए वेक्टर अगेन एट पे जाओ आप, वेक्टर वन लिखो, थ्री डायमेंशन वेक्टर है, वेक्टर की आई कंपोनेंट टू है, जे कंपोनेंट थ्री है, के कंपोनेंट फोर है, तो ये आपने भाई ए वेक्टर जो है उसको पुट कर दिया। फिर शिफ्ट फाइव पे जाओ, डेटा पुट करना है तो वन पे जाओ, बी वेक्टर है टू पे जाओ,
थ्री डायमेंशन है तो वन पे जाओ, और दूसरा वेक्टर क्या था, वन फिर वन और फिर माइनस वन, ये दोनों वेक्टर आपने पुट कर दिया। अब सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो ये कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे वो देखो, शिफ्ट दबा के फाइव पे जाओ, नहीं सबसे पहले आप क्या करोगे इसको छोड़ दो, शिफ्ट दबा के एब्सोल्यूट जाओगे, ठीक है। अब किस चीज़ का एब्सोल्यूट था, ए क्रॉस बी का, तो शिफ्ट फोर, थ्री पे आ रहा है वेक्टर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई क्योंकि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई शिफ्ट फाइव बी, ठीक है। तो ये तो न्यूमरेटर हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, कैलकुलेट करो, ये आपके पास क्या आ रहा है, 0.994 आ रहा है, ठीक है। ये सवाल अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये वाकई लंबा सवाल है, तो अगर आप कैलकुलेटर से करो तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कैलकुलेटर भी। उसके बाद आप इसको भी कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, डिनोमिनेटर तो वही है ना, तो आप इसको एडिट करो, डिनोमिनेटर को ना छेड़ो क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा दोबारा। न्यूमिनेटर में क्या है, यहाँ पे वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, तो शिफ्ट फाइव, थ्री पे वेक्टर ए है, शिफ्ट फाइव, सेवन पे डॉट है, शिफ्ट फाइव, फोर पे वेक्टर बी है, ब्रैकेट लगा दो एहतियातन, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, इसको कैलकुलेट करो आंसर क्या आ रहा है, 0.107 आ रहा है, ठीक। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने वेरीफाई करना है कि कॉस इनवर्स के आगे पहले ऑप्शन क्या है, 1/√3, अब 1/√3 की वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर में क्या आ रही है, 0.577, इसमें से कोई भी नहीं है। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, 87/√9, 87/√29, अगेन इसमें से कोई वैल्यू नहीं आ रही। फिर आप देखो साइन इनवर्स के बाद क्या लिखा हुआ है, 86/87, यहाँ से क्या आ रही, 0.994, इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि साइन की वैल्यू आ रही थी ना 0.994, तो हमारा आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स 0.994, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक। तो ये चौथी ट्रिक ये है कि आप किसी भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल आसानी से निकाल सकते हो, ख़ास तौर पे अगर आपको एंगल निकालना है इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है, साइन की फॉर्म में अगर आपने निकालना है, क्योंकि साइन की फॉर्म में एंगल थोड़ा बड़ा हो जाता है, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल है, फिर उसका मॉडुलस निकालो, फिर ए और बी का अलग अलग निकालो, तो थोड़ा लंबा हो जाता है, ये थोड़ा ईजी होता है। तो जहाँ साइन इनवर्स की फॉर्म में आपने निकालना है तब तो लाजमी आप कैलकुलेटर ही यूज़ करो, और जो इस टाइप के सवाल हैं जिसमें आपको दोनों निकालने हैं तो बेहतर है आप डेटा पुट करके कैलकुलेटर से आसानी से निकाल लोगे। तो गाइस मेरे ख्याल में यही ट्रिक है, और चैप्टर 9 से रिलेटेड और कोई ख़ास ट्रिक नहीं है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ, पूरा फर्स्ट ईयर, पूरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जितनी ट्रिक्स थी मैथ की मैंने सब कवर करवा दी हैं। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट सब अच्छा होगा, इन सबको याद कर लेना, ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।